बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तन्नीज़ किचन। तो आज मैं बनाने लगी थी अरबियाँ आलू, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी छोटी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। अरबियाँ जो हैं वो वैसे तो गोश्त में भी डाली जाती हैं और उसकी सादा सालन भी बनता है, लेकिन अरबियाँ आलू का एक और भी तरीका है जो कि मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये छोटी सी रेसिपी शेयर कर लूँ, यकीनन आपको मज़ा आएगा। ये भुजिया टाइप का सालन बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए अरबियाँ जो हैं उनको मैंने काट के, ये देखिए मैंने जिस तरह आलू काटते हैं हम पतासों वाले टाइप के, उस तरह हमने काट लिया, और इसको मैंने नमक लगा के रख दिया है और आलू भी मैंने काट के पानी में डाल के रख दिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी जो भी चीज़ इसमें डलेगी वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी और क्वांटिटी उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने आलू और अरबियों को अलग अलग से फ्राई करना है। सबसे पहले तो ऑयल मैंने डाल दिया है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे और उनको फ्राई करेंगे, और ये फ्राई आपने खुले तेल में करने हैं। लीजिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आलू और अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल ब्राउन वगैरह नहीं करना हमने, हल्के हल्के से गोल्डन जब भी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। जी जी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए इनको हमने फ्रेंच फ्राइज की तरह चिप्स नहीं बना देने, कड़क नहीं करना, हमने इतने ही फ्राई करने हैं। और अब हम इनको स्टेनर में निकाल लेते हैं, फ्लेम में थोड़ा सा स्लो कर लूँगी और इसको हम स्टेनर में निकाल लेंगे। और अब अरबियाँ जो हैं जिनको मैंने नमक लगा के रखा हुआ था उनको मैंने धो के उस स्टेनर में डाला हुआ है ताकि उनमें से भी पानी ड्राई हो जाए। तो अब हम इसके बाद पोटैटोज़ के बाद हम अपनी अरबियाँ जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी, अब अरबियाँ डालते हैं। मैंने धो दिया था ताकि नमक भी नीचे से निकल जाए सही तरह से, और जो इनमें एक लेसलापन होता है वो भी काफ़ी हद तक निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो फिर हम जब इस तरह से फ्राई करते हैं तो वो बाकी उसमें से भी लेसलापन जो है उसका ख़त्म हो जाता है। तो फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक के लिए थोड़ी सी गोल्डन नहीं हो जाती। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि अरबियाँ जो हैं उन्होंने हल्का हल्का सा कलर चेंज कर लिया है, अब वो तकरीबन ऑफ वाइट क्रीम कलर की हो गई हैं। तो बस 1 से 2 मिनट में इनको और फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी और फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, 2 मिनट मैंने इनको मज़ीद फ्राई किया है, अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल मैंने डाल लिया है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून कलवंजी और इसको कड़कड़ाएंगे। जब कलवंजी जो है वो कड़कड़ाने लगेगी तो फिर हम इसमें अपने प्याज ऐड कर देंगे। लीजिए जी, ये कलवंजी की खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें अपने प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भी हमने हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन से, इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करने वरना वो हांडी का कलर भी जो है वो ब्लैक सा डार्क सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मैंने 1-1 टेबल स्पून लिया है और इसको मैंने पीस लिया है। इनको हमने अब लहसुन अदरक को भून के उसके बाद हम अपने बाकी मसाले जो हैं वो डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो लहसुन अदरक जो है वो भी भुन चुका है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। मसालों में मैंने डाला है नमक 1.25 टीस्पून या 3/4 टीस्पून, मिर्च भी 3/4 टीस्पून, हल्दी भी 3/4 टीस्पून और खुश धनिया 1 टीस्पून, ये मैंने डाल दिया है। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर जो है वो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और ये मैंने पीस किए वैसे तो वो मैं वो डालूँगी, और मैंने आपको टमाटरों का पाउडर भी बनाना सिखाया हुआ है, वो अब अगर अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम ये इसको थोड़ा सा मैंने साथ पानी भी डाला है ताकि ये मसाला जो है ये जले नहीं और टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम अगला प्रोसीजर करते हैं। जी जी इस मसाला हमारा भून चुका है, ये देखिए टमाटर जो मैंने पीस के वो डाला था वो भी अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और मसाला भून चुका है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर से ये मसाला ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घरों में ये होता है कि मसाला जो है वो इस तरह से
नज़र ना आए, लेकिन टेस्ट हो मसाले का। लेकिन हमारे ये है कि ये ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये अच्छा भी लगता है कि मसाला जो है वो चीज़ों के ऊपर कोट हुआ हुआ हो और उसका टेस्ट भी आए। तो ये मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी अर्जियाँ और आलू जो हमने फ्राई किए थे, और फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दीजिए, मैंने डाल दी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब ये बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल ये ड्राई ड्राई सा हो रहा है, और अभी हमें आलू और अरबी जो है वो थोड़ा सा उनको गलाना भी है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ कप से भी कम, और इसको अब हमने रख देना है मिक्स करके दम पे, ताकि हमारी अरबियाँ और आलू भी गल जाएँ और एक रस्म सी से जो हमारी हमें ग्रेवी सी जो चाहिए वो भी हमें मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इसके पकने के बाद। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी अच्छी सी आलू अरबियों की भुजिया तैयार हो चुकी है। इसको आप लेमन जूस के साथ और स्लाइस्ड सैलड के साथ इंजॉय करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मुझे इजाज़त दीजिए अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।